चैनल देखने वाले दर्शकों मेरे वालों गुरप्रीत सिंह भुल्लर जिला इंचार्ज वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। असीं पहुंचे हाँ अज पिंड भंगाली दे विच। आओ तुहानूं प्रधान साहब नाल गल्लबात कराउणे आ कि इत्थे अज नारेबाजी की गई है जिहड़ा औरतां ने करजे लए उन्हां बदले की इन्हां ने की मंगां जी तुहाडीआं। सब तो पहला सारे नूं सत श्री अकाल, मेरा नाम परमजीत कौर ते फिरोजपुर जिला की औरत करजा मुक्ति अंदोलन की मैं प्रधान हाँ। असी जिहड़े मकसद नूं लैके इत्थे इकट्ठे होए सी औरत करजा मुक्ति अंदोलन, जिहड़ा कि करोना महामारी के दौरान सानू लोगों तीन तीन महीने घर बंद करके रखा गया ते असी एक कंपनियां दे मकड़ जाल दे विच बुरी तरह फस चुके सी। तां सरकार ने सानू यह नहीं पुछया कि किसी कोले खाण नू आटा भी है कि नहीं, ते साडे उपर जिहड़े कंपनियां दे मकड़ जाल सी उहनां दे विच असी बहुत बुरी तरह प्रभावित सी। पर असी सरकार तो मंग कीती सी कि जिवें वड्डियां घराणे दे पूंजीपतियां दे मालकां दा 68,670 करोड़ रुपया माफ़ किया गया तो फिर साढ़े गरीब लोगों का कर्जा जोड़ा वह भी माफ़ होना चाहिए। पर पता नहीं क्यों की कारण की मजबूरिया वा साढ़े सरकार ने कोई भी हले तक मूँह नहीं खोलिया तो सानू लोगों को यह भरोसा नहीं दवाया कि जे उन्होंने लोगों का पैसा माफ़ किया गया सी तो पैसा जोड़ा वो भी माफ़ किया जाऊगा। पर असी लोगों ने आपके भैन भरावान वादा किया आ कि जोड़ा यह संघर्ष विद्या आ असी इस संघर्ष उदों तक थम्मन नहीं देवे जदों तक सरकार साढ़े कोई ना कोई मूँह नहीं खोलती या साढ़े गरीब औरतों का जो कर्जा वो माफ़ नहीं करती। असी मजबूर कर देंगे इन लोगों के साडा जिहड़ा यह फैसला वा इनू मन्निया जाए तो साढ़े गरीब औरतों के सिर ते चढ़िया होया कर्जा जिहड़ा ये माफ़ किया जाए। जेकर सरकारां इस मंग नू नहीं मंजूर कर दियां जां तुसीं अगला संघर्ष की करोगे? असी एक 31 अगस्त नूं रखी गई सी साडी पंजाब पद्धर दी रैली, साडियां कट्ठां नूं साडियां रैलियां नूं वेखदिआं होइआं सरकार भी बुखलाट दे विच आ गई। उन्होंने साढ़े लिए एक धारा 144 लागू कर दी गई कि जे लोग इकट्ठ करनगे रोस मुजहरे करनगे तो इन्हां उपर असी परचे कट्टांगे। जी जिहड़ा अज तुहाडे वल्लों रोस मार्च किया गया वा कर्जा नूं लैके तुसीं की कहना चाहोगे इहदे विच? सब तो पहला तो मैं चैनल वेख रहे सारे स्रोतियां दा धन्नवाद करदा। हुण मैं मजदूर मुक्ति मोर्चा पंजाब तो, मेरा नाम हिम्मत सिंह है, पिंड डोड़ है, मैं मजदूर मुक्ति मोर्चा का आगू हाँ जी। मेरा भैन वास्ते पंजाब सरकार मूहरे असी एक मंग रखी सी कि जेकर तुसी पूंजीपतियां कारपोरेटा का कर्जा माफ़ किया तो साढ़े नाल ये वितकरेबाजी क्यों की जाती है? सानू भी उन्ना ही हक आ क्योंकि लॉकडाउन दौरान असी भी तीन तीन महीने घर बंद रहे हैं तो साडा कोई कारोबार नहीं चलिया। कई घर तो यह जे सी भी रोटी तो भी मिठाई सी, हुण भी कई यही हाल है। तो कंपनियां दे मुलाजम लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये असी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। जेकर पंजाब सरकार जां केंद्र सरकार ने साडी कोई सुनवाई ना की तां असी आपदे अंदोलन बहुत तिखे पद्धर ते करांगे ते आपदा कर्जा माफ़ करा के ही साह लवांगे। असी उन्हां दे टेके नहीं बैठांगे, असी आपदियां भैणां दे हक लै के दवांगे। एक तुसी जिहड़े नशे बदले की कहना चाहोगे? कई मावां दे पुत नशे दे विच चल रहे आ, दलदल च फसे होए आ। ये जी नशे विच चल रहे आ, ये नशे कारण ये नशे दियां जिम्मेवार जां तां पंजाब सरकार है जां पंजाब दी पुलिस आ, क्योंकि ये नशियां ते कोई रोक नहीं लाउंदे। प्राइवेट कंपनियां वालियां नूं तां ये शह दिंदे आ। तुसी अज मुद्दकी विच कट रख्या, इस विषय का कारण की है? तुसी यूनियन नाल भी जुड़े हुए हैं, आपका परिचय दो ते फिर सानू दसो भी ये कट की वजह की है। ये कट की वजह है असी बीबिया ने, मैं किसान यूनियन की प्रधान हाँ, तो असी बीबिया ने कर्जा चक्या सीगा ते साडे कोल मोड़ नहीं हुंदा ते कंपनियां वाले सानू बहुत तंग परेशान करते हैं ते असी बहुत चिर दे प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने साडी कोई अज तक गल की सुनवाई नहीं की, जे ना सुनवाई करे तो असी इदों ज्यादा सड़कों पर आके रौला रप्पा पावांगे ते इन्हां नूं दुखी करांगे जे सानू ना अज सरकारां ने कोई इहदा हल कीता। तुसीं केंद्र सरकार तों की मंग कीती है जी भैणां वास्ते? असीं इह मंग करदे वी सारियां भैणां दा कर्जा माफ़ कीता जावे, दुखी बहुत है इस वेले लोग ते वोटां लैण नूं आ जांदे ते अज किसे नूं असीं दिंदे नहींगे वोटां लैण नूं, किवें आ जांदे गड्डियां लै के घर सानूं वोटां पाओ, अज गरीब जनता नहीं दिंदी। की जिहड़ा कट रख्या ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ।